तो मैं कह रहा था आज का व्लॉग बड़ा मजे का होने वाला है, लेकिन अभी तो मैं ट्रोजर शर्ट में फिर रहा हूँ, रेडी क्यों नहीं हुए ब्रो? ब्रो 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 हो जाते हैं अभी, मैंने कहा व्लॉग का स्टार्ट ही नहीं किया तो रेडी भी होते हैं जल्दी से, तो व्लॉग का स्टार्ट ही साथ ही कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हो गए ना हम रेडी, अब निकलते हैं यार कीज आराम से, पहले सबसे पहले कीज पकड़ते हैं। और हम जा कहाँ पे रहे हैं यार, अभी बताते हैं रास्ते में, अभी जल्दी जल्दी से निकल रहे हैं, निकलते हैं सारे रास्ते में बात होती रहती है हमारी, टेंशन ना लो। पहले बाहर का मौसम चेक करो यार, ये मौसम अब हर रोज ही बाहर का इस तरह ही होता है, हर रोज मतलब कि ना सूरज निकला होता है लेकिन ठंडक है। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सर्दियाँ तो आ ही गई हैं ऑलमोस्ट, चलाओ बातें नहीं करनी, फिर रास्ते में बताना भी है किधर जा रहे हैं, सीधा चलते हैं। अब जा किधर रहे हैं हम इस वक्त, जा रहे हैं माल रोड पर, और मुझे नहीं लगता शायद मैं गया हूँ माल रोड पे, अब जाएंगे तो पता चलेगा, पता नहीं गए हैं अभी के नहीं गए, और शायद हमारा पीसी होटल भी चक्कर लग जाए। पीसी होटल तो आज तक हम गए नहीं, क्यों नहीं गए भजन, जब हम रहते हैं यहाँ पे तो हमें पीसी होटल जाने की क्या जरूरत है, वहाँ पे तो वो आएगा ना जहाँ जो बाइक से रहता है। अब देखते हैं हम लोग गए हैं कि नहीं गए, अब मैं देख रहा हूँ रास्ता साफ है, अभी इशारे पे रुके हैं, मैंने कहा जरा आप लोगों को आकर रास्ते में बताऊंगा। हम आ गए भाई जान फोर्ट्रेस, यहाँ पर हमने कहा अब भाई अब मजा आएगा यहाँ पे आके, यहाँ पे फिलहाल तो धूप धूप है, यहाँ पे गर्मी लग रही है, लेकिन चलते हैं अभी अंदर फोर्ट्रेस केयर मॉल के अंदर, वो बहुत पहले गए थे और आज दोबारा जाएंगे, बड़ा मजा आने वाला है। हम बहुत पहले पता ही कब गए थे, समीर भाई अगर ब्लॉग देख रहे हैं, समीर भाई को याद आ जाएगा तब हम गए थे, समीर भाई को भी याद होगा इकट्ठे तब हम गए थे केयर मॉल के अंदर, और अब हम जाएंगे अंदर। हेयर वी आर इन, और इसकी छत अभी तक मुझे याद है और सेम वैसे की वैसी है, हम जब आए थे ना तब तो हम भी छोटे होते थे, और ये तब अभी स्टार्ट ही समझो हुआ था, लेकिन उसके बाद मैं ऐसे तब तो एम्पोरियम ये कुछ भी नहीं था, ये तब था और हमें बड़ा कमाल लगता था ये, लेकिन अब मुझे जो लग रहा है ना बोरिंग बोरिंग सा फील है ये अंदर आगे, अभी देखते हैं आगे एक्सप्लोर करते हैं। अभी ये फूड कोर्ट में आया हूँ, इतना रश मुझे लग रहा है इसलिए नहीं क्योंकि ये वर्किंग डे है ट्यूजडे को, शायद ये चलता हो नहीं, ये नहीं यहाँ तो चलता है, यहाँ तो इसका भी मुझे लग रहा है मानना वाला हिसाब है, और मुझे सही तरह याद है ये समझ लो ये लाहौर में शायद सबसे पहला मॉल यही बना हो, या जो हमने देखा था सबसे पहला मॉल वो यही देखा था। अभी फिलहाल नमाज का टाइम हो गया तो देखते हैं यहाँ पर नमाज पढ़ने का एरिया कहाँ पर है। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज अल्हम्दुलिल्लाह अदा कर ली है, और प्रेयर एरिया आप लोगों ने देख ही लिया किस तरह का बना हुआ है, बस कैसे आप बताएं क्या भाई बोले बंदा, अमाना मॉल का तो जीरो जीरो पे है ना, उससे हल्का सा बेहतर कह सकते हो कि अमाना मॉल से बेहतर ही बना दिया इन लोगों ने, लेकिन जो प्रेयर एरिया जो मुझे बेस्ट लगता है ना, जो तीन चार ये सारे मॉल हैं, स्क्वायर मॉल हो गया, अमाना मॉल हो गया, पैकेजेस और एम्पोरियम, एम्पोरियम का टॉप क्लास का लगता है, पैकेजेस को भी रेट कर दूंगा मैं, बिकॉज पैकेजेस में भजन ये है कि उन्होंने हर फ्लोर पे एक स्लिप प्रेयर एरिया बनाया हुआ है, अमाना मॉल ने तो बहुत वेल मेंटेन बनाया हुआ है ना, बाकी इधर का तो आप लोगों ने देखे अमाना को तो भाई बेसमेंट में और समझ नहीं आती अमाना का। चलो भजन स्क्वायर मॉल से तो निकल आए हैं, ये था सारा स्क्वायर मॉल और बस ठीक ही है, नहीं आते तो क्योंकि फर्क ही है समझ लो, अगर किसी को मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं अगर मॉल जाना और मज़ा करना है ना तो एम्पोरियम और पैकेजेस बेस्ट है यहाँ। वैसे अगर किसी ने आना तो ये सारा फोर्ट्रेस है और ये बहुत ह्यूज बड़ा है और इसके अंदर तो ऑप्शन बहुत है ना, ये बंदा यहाँ पे फिरे, यहाँ पे आराम से शॉपिंग वगैरह करने के लिए भी है, फूड कोर्ट भी, फूड कोर्ट अगर जाना है मॉल वगैरह फिरना है तो ये स्क्वायर मॉल आ जाता है, और सबसे ज़्यादा जो मज़े का है ना वो यहाँ पे सिंधबाद है, ओबियसली वो तो बच्चों की चॉइस है, अभी तो बॉयज़ के साथ होते तो ओबियसली बात है, ईद के तीसरे दिन तीसरा दिन था ना जो यहाँ पे हम जरा जो हम पढ़ गए थे, पढ़ के गए थे मतलब कि जो फंस गए थे हम यहाँ पे आ गए, ईद वाले दिन तो ऑब्वियसली बात है कि बंदा यहाँ पे ना ही है, उसके अलावा यहाँ पर स्टेडियम भी है, फोटो स्टेडियम भी है। ओ भाई जान चलो मैंने कहा अंदर जरा राउंड ही लगा के तो हम लोगों को दिखा दे अंदर का सीन क्या गया, वो देखो भाई ढक्का भी है अंदर खुल गया हुआ, लेवल चीज यार ये तुम्हारे, ओ ओ भाई यार ये क्या ट्रिप आया हुआ बच्चों का, ये क्या सिस्टम है, मैं लग रहा है कोई ट्रिप ट्रिप वाला सीन है,
कोई नहीं, देखते हैं पूरा, बस राउंड हल्का फुल्का सा मैंने दिखा दे। ये आई थिंक सो ये कैरीफोर भी है, और कैरीफोर आपको पता है आपका भाई जहाँ पे भी जाए कैरीफोर चक्कर जरूर लगाता है, लेकिन इस दफा नहीं लगा रहे, कोई बात नहीं। लेकिन स्टेडियम, ये स्टेडियम तो नहीं है, मुझे लग रहा स्टेडियम ये था, लेकिन आई थिंक सो यहाँ से राइट हो गए स्टेडियम है। ये आ गया भाई जान, वो आ गई, ये जो बैठने की नजर आ रही है जगह, ये जो है ये है स्टेडियम, ये स्टेडियम। आज यार सही दिन लगा हुआ, मतलब कि जिसे कहो ना दिन लगा हुआ, मतलब कि अगर जिसे नहीं पता दिन लगा हुआ का मतलब कि बाहर सही धूप निकली हुई है और उससे ना पसीना भी बार बार आई जा रहा है। तो मॉल के अंदर तो फिर लिया, बाहर भी दिखा दिया क्या, उसके बाद और कोई जगह नहीं है यहाँ पे फिरने की। ये जो है रोड, माल रोड जो है, माल रोड है वो कुछ कुछ ऐसा एरिया जिसपे हम वीडियो भी नहीं बना सकते। वो फौज वाले भी अक्सर आ जाते हैं, वो कहते हैं यार नहीं वीडियो नहीं बनानी, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। तो मैंने कहा जितना एक्सप्लोर करना था कर लिया, घर चलते हैं। घर जाने के बाद बात करते हैं कि कौन सा फिर मॉल ज्यादा बेस्ट लग रहा है। अब तो हम लोगों ने जितने भी आई थिंक सो लाहौर में जितने भी मॉल है ना वो सारे हमने देख लिए, और व्लॉग में भी आप सबको सारे दिखा दिए ये मॉल। तो कौन सा व्लॉग, वो घर जाके बात होती है। अभी फिर मैंने कहा सीधा घर निकलता हूँ, असर किससे पहले पहले घर पहुंच जाते हैं, असर की नमाज भी इंशाल्लाह घर अदा करेंगे। हम पहुंच चुके हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह घर, और हाल से पता चल रहा होगा बाहर निकलो तो गर्मी फील होती है, घर में तो लगता है कि सर्दियां आ गई है, लेकिन आज सही में पता चल गया सूरज जो पड़ रहा था ना। लेकिन किसी किसी दिन ऐसा होता है, क्योंकि जब संडे को हमने रोड ट्रिप किया है लिटरली जरा भी फील नहीं हो रहा था इतनी गर्मी है। लेकिन अभी जल्दी से पानी वगैरह पीता हूँ, वजू वगैरह करके नमाज का टाइम हो गया, नमाज पहले अदा करते हैं उसके बाद फिर मिलता हूँ आप लोगों को। नमाज अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं अदा कर रहा हूँ। हाँ मैं बात कर रहा था कि हम लोग सारे मॉल जितने भी लाहौर में ऑलमोस्ट जो मुझे पता थे ना वो हम लोग सारे मॉल फिर लिए और आप लोगों ने भी देख लिया। तो जरा कमेंट करो और बताओ कि आप लोगों को सबसे अच्छा मॉल कौन सा लगा। और एक मिनट, ये क्या मुझे नजर आ रहा है, ये सब्सक्राइब का बटन रेड रेड क्यों नजर आ रहा है भाई, ये रेड नहीं अच्छा लगता यार, इसे रेड नहीं करो, इसे जरा क्लिक करो और इसे ग्रे करो, ये जरा खूबसूरत ग्रे में लगता है, रेड कलर तो ऐसे ही हमें पसंद नहीं है ना। आप लोग उतनी देर कमेंट लिखो और मैं जरा बाहर देख लूं, कोई सीन पार्ट है क्रिकेट का घर आया तो जरा लग जाता है। ये देखो भाई जान अहमद ने एमएल दे दिया पंप, मुझे बॉयज इतने दिनों से कह रहे थे अबूबकर तू जाती है वहां बढ़नी ब्रो थोड़ी, चलो मैं वहां पर कहता हूँ जल्दी से तुम लोग तैयार हो जो, हसीब भी आ गया ब्रो भी आ गया, क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन मैं पहले जरा हवा बढ़ लूँ, बॉयज ने मुझे इतने दिनों से भाईजान कहा हुआ था कि यार पंप हमारे लिए ले आओ, हमने हवा साइकिल में बढ़नी है। मैं कहा मुझे पता है अहमद के पास होगा, अहमद ने पंप पकड़ाया, ये आप खेलने की तरफ आएंगे, मैं इनके वहां बढ़ता हूँ फिर हम भी खेलते हैं। ये देखिए इस वक्त अहमद भी आ चुके हैं और अहमद हवा भर रहे हैं, भर रही है कि नहीं भर रही, मैं भरता हूँ साइड भी हो। ये अहमद ये पंप बड़ा हैवी है यार, बड़ा लेवल है पंप, ये हमारी जो यहाँ से वहाँ भरी जाएगी। अहमद इधर, थैंक यू यार ब्रो फॉर योर पंप, थैंक यू, ये तूने संभाल के रखा हुआ पंप कितने सालों से, बचपन से जब तूने साइकिल ली थी तब ये पंप भी लिया था साथ। ये देखिए ये कौन है, हसीब का भाई है, गिरने लगा था, हसीब के पास बॉल है, हसीब खेलना शुरू हो गया हुआ है, हम भी थोड़ी देर बाद खेलेंगे। कल की तरह भाईजान दोबारा अपना मैच लग चुका है, छक्के चौके सारा कुछ है। अहमद इस वक्त मेरी टीम में नहीं है, और मूसा कैच हो जाना था, मूसा और ये और हसीब और मैं हूँ और बकर अहमद और अब्दुल्ला, ये लोग हैं दूसरी टीम में, और हमारी टीम में हसीब आउट हो चुकी हो यार, हसीब क्या किया ब्रो हसीब, कोई बात नहीं, और हमने भी पीछे का रन बना लिया, दो को रन बना लिया, ये जीत गया माशाल्लाह, इसकी हमने पहले बैटिंग दे दिया। देखो गंदी कमाल किस्म की गंदी हमारी बैटिंग हुई है, सिर्फ 8 स्कोर का, लेकिन करेंगे इंशाल्लाह से डिफेंड करने, जान लगानी है मैं करूंगा बॉलिंग, कोई बात नहीं हम डिफेंड, ओए जान लगानी है पूरी फील्डिंग में ठीक है। बाउंड्री पे कौन मूसा तू आ रहा है, मुझे इसे बाउंड्री पे आने दे, तू सिंगल पे आ ठीक है, मैं बॉलिंग पे आ रहा हूँ, मैं बॉलिंग पे आ रहा हूँ, अहमद आ रहा है स्विंग करवाऊंगा, क्या दम करेंगे यार, लेवल कमाल तरीन मैच भाई, हम जीत गए मैच, भाई ने मैच देखा लेवल मैच हुआ, मजा आया कि नहीं आया बस ये बता हमारे साथ खेल के, पूरा चांस था इसका। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल, अपनी तरफ से छक्का मारा था, क्या कर रहे हो आप, अब मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, मगरिब के जाने अंधेरा हो गया यार, कोई एंड लेवल मैच हुआ, 7 रन का टारगेट दिया था और बकर 7 रन डिफेंड नहीं करने दिए हम लोगों ने, डिफेंड किया बल्कि, मिल रहे हो फिर मगरिब के बाद खेलना, नहीं खेलना मुश्किल है, सबका मुश्किल है, एंड लेवल मैच हुआ है। मूसा को भी क्रेडिट देना पड़ेगा, मूसा ने 2 विकेट, अहमद की मेन विकेट और उसके बाद अब्दुल्ला की, दोनों की विकेटें मूसा ने ली और उसके बाद मैंने भाई की ले ली, अबूबकर के भाई की मैंने विकेट ले ली, लास्ट मैन प्ले नहीं हमने रखा था, और किसी तरह मैंने चौके से हमारा 6 स्कोर हमने बना लिया, और मुझे उम्मीद पूरी थी अपनी टीम से, मैंने कहा हम डिफेंड करेंगे, इंशाल्लाह हमने किया और मज़ा आ गया। अब मैं इस वक्त नमाज पढ़ने मगरिब की तरफ मस्जिद की तरफ जा रहा हूँ,
वुजू भी मस्जिद में करेंगे और इंशाल्लाह मगरिब की नमाज के बाद मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मगरिब की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह अदा कर रहे हैं और हल्का हल्का जुकाम वाली तबीयत फील हो रही है और बीमार हमने बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि हर दूसरा बंदा बाहर देखो तो मौसमी बीमारी से हुई पड़ी है, बुखार हुआ पड़ा, लेकिन हमने बिल्कुल भी नहीं होना यार। व्लॉग्स बनाने, मजे मजे के फन करना है, तो दुआ करो कि तबीयत सही रहे। तो आज की वीडियो करते हैं यहाँ पे, उम्मीद करता हूँ आपको बड़ा पसंद आएगी। दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सब्सक्राइब करो अभी करो, अल्लाह हाफिज़।